हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग जो श्वसन था, जंतुओं में श्वसन, मछलियों में श्वसन, प्राणियों में श्वसन तथा श्वसन से क्या होता है, किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, इन सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य में श्वसन। गाइज, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य वायुमंडल से वायु को लेता है, वायु को लेने के पश्चात वायु उसके फेफड़े में जाने के पश्चात उपापचय क्रियाओं के द्वारा वायु दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो वायु है यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। इसके पश्चात ऑक्सीजन गैस को हम लोगों की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन गैस हमारे रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह बाहर निकल जाएगा। तो गाइज, आइए हम लोग श्वसन के बारे में लिखते हैं। गाइज, मनुष्य में श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपापचय क्रियाओं के दौरान निकलती हैं, उपापचयी क्रियाओं के दौरान निकलती हैं, क्रियाओं के दौरान निकलती हैं, निकलती हैं तथा साथ साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, साथ साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का मनुष्य में श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण उपापचय क्रियाओं के द्वारा होता है तथा साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। जैसे गाइस, मान लीजिए ये हम लोगों का ग्लूकोज हो गया C6H12O6। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वह प्रेजेंट है, आफ्टर दैट रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा, तापमान 25 से 45 डिग्री सेल्सियस। इसके पश्चात यहाँ पर एंजाइम हो जाएंगे, एंजाइम, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण प्लस जल का निर्माण, साथ साथ एनर्जी का निर्माण। जो एनर्जी रहेगी वो हमारे शरीर में जहाँ पर उसकी मांग होगी वहाँ पर वह अवशोषित कर ली जाएगी। तो गाइज, हम लोग जान गए मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है। अब श्वसन में सहायक अंग जिन्हें हम श्वसन तंत्र कहते हैं वो इतने हैं। इसके टाइप नासिका, इसके बाद नासा मार्ग, नासा गुहा, कंठ, ग्रसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़े, फेफड़ों की आंतरिक संरचना। इसके पश्चात गाइस, जो फेफड़ों में कूपिकाएं पाई जाती हैं जहां से ऑक्सीजन गैस जो होता है ब्लड में प्रवेश करता है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, तो आइए हम लोग इसे साफ करते हैं। अब टॉपिक बाय टॉपिक अपने इसके जो पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, मनुष्य में श्वसन हम लोग जान गए उपापचयी क्रियाओं के दौरान इसमें ऑक्सीजन गैस जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो गाइस, अब यहाँ पर हम लोगों का जो पहला पार्ट है वह है नासिका। इसमें हम लोगों का जो पहला पार्ट है वह है नासिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में नोज बोलते हैं, नाक या नासिका एक ही होता है। तो गाइस, जो यह नासिका है यहाँ पर उपस्थित है, यह हमारे श्वसन तंत्र का पहला अंग है या मुख्य अंग है। यह जो नासिका है यह बाहर से भी देखा जा सकता है, जिसे हम लोग नाक बोलते हैं। यहाँ से जो है यह
हमारे शरीर के श्वसन अंग का मुख्य अंग है और इसमें दो छिद्र होते हैं जिसे नासा छिद्र कहते हैं तथा इसमें नासा पट उपस्थित होता है तथा यह जो नासिका होता है इसमें छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं। ये छोटे छोटे बाल क्या काम करते हैं, जैसे हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु में जो धूल धूल मिट्टी रहेंगे उसको ये छोटे छोटे बाल अवशोषित कर लेंगे। तो गाइस यह काम होता है हमारे श्वसन तंत्र में नासिका का। तो गाइस आइए इसके बारे में लिखते हैं। नासिका में पहला हो जाएगा यह श्वसन का मुख्य अंग है, यह श्वसन का मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। और गाइस दूसरा, इसमें दो छिद्र उपस्थित होते हैं, इसमें दो छिद्र उपस्थित होते हैं। गाइस तीसरा, जिसे नासा द्वार कहते हैं, जिसे नासा द्वार कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं। और गाइस इसमें जो चौथा है वह है, इसमें नासा पट उपस्थित होता है, इसमें नासा पट उपस्थित होता है, नासा पट उपस्थित होता है, नासा पट उपस्थित होता है। और गाय पांचवा हो जाएगा, इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, इसमें छोटे 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 बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जो बाहर से आने वाली वायु में, जो बाहर से आने वाली वायु में, आने वाली वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित धूल कणों को, वायु में उपस्थित धूल कणों को रोकती है, धूल कणों को रोकती है। तो गाइस यह हो गया हमारे शरीर में नासिका का ज्ञान। नासिका हमारे शरीर का मुख्य अंग है श्वसन तंत्र का, और इसमें दो छिद्र होते हैं जिसे नासा द्वार कहते हैं। इसके अंदर नासा पट उपस्थित होता है तथा नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहर से आने वाली वायु को, उसमें उपस्थित धूल के कणों को रोकती है। इसके पश्चात गाइस अब इसमें हम लोगों का जो दूसरा है वह है नासा मार्ग। तो गाइस नासा मार्ग क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका दूसरा हो जाएगा नासा मार्ग, हो जाएगा नासा मार्ग, नासा मार्ग। इसका इंग्लिश हो जाएगा नोजल पैसेज, नोजल पैसेज। तो गाइज नासा मार्ग क्या होता है, यहाँ पर जो नासा मार्ग उपस्थित होता है, और गाइज यहाँ पर होता है नासा गुहा, नासा गुहा। तो गाइज जो नासा मार्ग होता है यह नासिका से लेकर नासा गुहा तक के बीच की पतली नली को नासा गुहा कहते हैं। नासिका से लेकर नासा गुहा तक के बीच की पतली नली को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासिका से आई हुई वायु को नासा गुहा तक पहुंचाता है। तो गाइस आइए लिखते हैं, नासिका से लेकर, नासिका से लेकर नासा गुहा तक, नासा गुहा तक की पतली नलिका को
नासा मार्ग कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं? यह वायु को नासिका से नासा गुहा तक पहुंचाती है। नासिका से नासा गुहा तक पहुंचाती है। नासा गुहा तक पहुंचाती है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का नासा मार्ग, नासा मार्ग की संरचना और उसके क्या कार्य हैं। तो हम लोग नासा मार्ग नो जल पैसेज के बारे में जान लिए। यह नासिका से लेकर नासा गुहा तक की नलिका होती है जिसे हम लोग नासा मार्ग कहते हैं। और गाइज अब हम लोगों का इसमें तीसरा है वह है नासा गुहा। नासा गुहा क्या होता है आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। नासा गुहा। तो गाइस अब नासा गुहा क्या है? नासा गुहा यह है नासिका से लेकर यह नासा मार्ग से जुड़ा रहता है। जो नासा गुहा होता है या जो नासा गुहा होता है नासा मार्ग से जुड़ा रहता है। यह नासा मार्ग से जुड़ा रहता है तथा इसमें श्लेष्म झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तथा इसमें श्लेष्म झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यह श्लेष्म झिल्ली श्लेष्मा को स्रावित करता है और यह श्लेष्मा जो स्रावित होता है वह होता है नासा मार्ग में। और इसमें छोटे छोटे रोमाप पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में जो हमारे मुख में जो कफ का निर्माण होता है ये उसे नाक में भेजते हैं या तो ग्रसनी में भेजते हैं। यही कार्य है गाइस। और इसका एक कार्य और है, यह बाहर से आने वाली वायु को एक निश्चित ताप पर रखता है। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। पहला, यह नासा मार्ग से जुड़ा रहता है। यह नासा मार्ग से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है गाय। दूसरा हो जाएगा, यह श्लेष्मा झिल्ली से ढका होता है, से ढका होता है। और गाइज तीसरा, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा श्लेष्म का स्राव, श्लेष्म का स्राव नासा गुहा में होता है, नासा मार्ग में होता है, नासा मार्ग में होता है, नासा मार्ग में होता है गाइस। इसमें चौथा हो जाएगा, इसमें छोटे छोटे रोमाभ पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे रोमाभ पाए जाते हैं। रोमाभ गाइज वही जो छोटे छोटे रेशे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं बालों की, उसे हम लोग रोमाभ बोलते हैं। तो इसमें छोटे छोटे रोमाभ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं गाइज। इसमें पांचवा हो जाएगा, रोमाभ, रोमाभ कफ को नासा मार्ग या ग्रसनी में लगातार भेजते रहते हैं, लगातार भेजते रहते हैं, लगातार भेजते रहते हैं, लगातार भेजते रहते हैं गाइस। इसमें छठवां हो जाएगा, यह
बाहर से आने वाली वायु को, यह बाहर से आने वाली वायु को निश्चित ताप पर नियंत्रित रखता है, निश्चित ताप पर नियंत्रित रखता है, निश्चित ताप पर नियंत्रित रखता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का नासा गुहा क्या होता है। गाइस यह नासा मार्ग से जुड़ा होता है, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। श्लेष्मा तक का स्राव होता है, इसमें छोटे छोटे रोमाप पाए जाते हैं, रोमाप कफ को नासा मार्ग या ग्रसनी में लगातार भेजते रहते हैं। इसीलिए गाइस जो हम लोगों को कफ होता है, जो बलगम निकलता है हमारे कफ के दौरान, वो तो हम लोगों के या फिर कंठ में होता है। यहाँ पर ग्रसनी में हम लोगों को जब हम लोग खांसते हैं तो यह ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा जगह मिल जाता है जिसके द्वारा हम लोगों का वायु अंदर चला जाता है। और या तो जैसे हम लोगों का नाक एकदम भर जाता है बलगम से, तो यह यही कफ होता है। कफ होता है या तो हमारे ग्रसिका में जाएगा या तो हमारे नासा मार्ग में जाएगा। नासा मार्ग में जाएगा तो हमारा जो नाक होता है बलगम से एकदम भर जाता है, और इसके पश्चात ग्रसिका में जाएगा तो ये जो हम लोगों का ग्रीवा का भाग है यहाँ पर बलगम पूरी तरह भर जाता है। इसके पश्चात गाइस और कहीं पर भी नहीं, केवल यही दो स्थान पर बलगम पाया जाता है गाइस, कब कोई हम लोग बलगम बोलते हैं। इसके पश्चात गाइस अब यहाँ पर जो यह नासा गुहा है, इसमें जो छोटे छोटे रोमाप होते हैं, ये बाहर से जैसे अभी हम लोग गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में तेज व गर्म हवाएं चलती हैं, तो जो तेज व गर्म हवाएं होती हैं वो तो इतनी गर्म होती हैं कि अगर हमारे शरीर में जाएं तो हमारा जो सब है ये रिस्पायरेशन सिस्टम है सबको एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। तो गाइस इसके जो ताप है, जो इसका ताप है एक निश्चित ताप होता है, तो उसे निश्चित ताप पर नियंत्रित करती हैं, तो उसे कौन करता है, नासा गुहा में पाए जाने वाले रोमाप, नासा गुहा के श्लेष्मा कला में उपस्थित पाए जाने वाले रोमाप जो होते हैं ये तापमान को नियंत्रित करते हैं जो बाहर से आने वाली वायु होती हैं। तो गाइस हम लोगों का हो गया अब तीसरा नासा गुहा, अब हम लोग जानेंगे चौथा जो है हम लोगों का कंठ द्वार। गाइस कंठ द्वार क्या होता है, चौथा हम लोगों का है कंठ द्वार। तो गाइस अब हम लोगों का जो चौथा है वह है कंठ, वह है कंठ द्वार, जिसे हम लोग बोलते हैं लैरिक्स। तो गाइस जो हम लोगों का कंठ द्वार होता है यहां पर है, यह ऊपर नासा गुहा से जुड़ा रहता है, इसका उपला भाग ऊपरी भाग नासा गुहा से जुड़ा रहता है जिसे नासा कंठ कहते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं, यह ऊपर नासा गुहा से जुड़ा रहता है, नासा गुहा से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, जिसे नासा कंठ कहते हैं, नासा कंठ कहते हैं। और गाइज इसका निचला भाग जो होता है वह ग्रसनी से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नासा कंठ तो ऊपर वाले को बोलेंगे, नीचे वाले को कंठ ताल बोलेंगे। इसके पश्चात गाइज इसमें जो होता है इसमें स्वर तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, जो हम लोगों का कंठ होता है यहाँ पर स्वर तंत्रिकाएं उपस्थित होती है, कुछ इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती हैं। तो गाइज दूसरा आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, इसमें स्वर तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें स्वर तंत्रिका उपस्थित होती है, इसमें स्वर तंत्रिका उपस्थित होती है, स्वर तंत्रिका उपस्थित होती है। तो गाइज अब हम लोगों का जो चौथा है वह है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार क्या होता है आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहला इसमें हो चुका है, अब दूसरा इसमें स्वर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इसमें
स्वर तंत्रिका पाई जाती है। इसमें स्वर तंत्रिका पाई जाती है। स्वर तंत्रिका पाई जाती है। गाय जो कंठ होता है इसमें स्वर तंत्रिका पाई जाती है जो ध्वनि को निकालने में मदद करती है। इसमें थायराइड ग्रंथि ये सब ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। तो गाय यह हो गया हम लोगों का कंठ द्वार। केवल इसके दो कार्य या ऊपर नासा गुहा से जुड़ा रहता है जिसे नासा कंठ बोलते हैं। इसमें स्वर तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। फिर इसके पश्चात गाय जब हम लोगों का इसमें पांचवा है वह है ग्रसनी। वह है ग्रसनी फेरिक्स। ग्रसनी फेरिक्स। तो गाइस ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी जो होता है इसकी लंबाई, जो ग्रसनी होता है इसकी जो ग्रसनी है यह ऊपर नासा गुहा से और कंठ द्वार के बीच की नली को ग्रसनी कहते हैं। बीच की नली को ग्रसनी कहते हैं। गाइस जो ग्रसनी होता है इसमें जो श्वसन नलिका और आहार नाल जिसमें भोजन जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, गाय यह हो गया ग्रसनी। तो इसी से इस प्रकार से ये जुड़ा रहेगा। यह हो गया श्वास नलिका, यह हो जाएगा श्वास नलिका और यह हो जाएगा आहार नाल, यह हो जाएगा आहार नाल। तो गाय जो ग्रसनी होती है इसमें श्वास नलिका व आहार नाल दोनों जुड़े रहते हैं और इसमें घाटी द्वार पाया जाता है जो उपास्थिका बना होता है। जब भोजन जाता है तो यह यहाँ यहीं पर ऐसे उपस्थित होता है जिसे हम लोग जंक्शन भी बोल सकते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसे ऐसे उपास्थिका बना रहता है, जब इसको इधर ढकना होगा तो इधर ढक लेगा, इधर नहीं तो इस प्रकार से इसकी उपास्थिका संरचना होता है जिसे घाटी ढापन बोलते हैं। तो जब भोजन यहाँ पर जाएगा, भोजन ऐसे आएगा तब ये जो श्वास नली का इसको ढक लेंगे ताकि हम लोग जो श्वास नली है इसमें भोजन ना जाए। तो गाइस इसी प्रकार से होता है। तो गाइस अब आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं ग्रसनी। तो पहला हो जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी से श्वास नलिका व आहार नाल दोनों जुड़े होते हैं। दोनों जुड़े होते हैं। दोनों जुड़े होते हैं। दूसरा ग्रसनी में एक छिद्र होता है जिसे घाटी द्वार बोलते हैं। जिसे घाटी द्वार बोलते हैं। घाटी द्वार बोलते हैं। तीसरा घाटी द्वार को बंद करने के लिए उपास्थिका बना संरचना होता है। उपास्थिका बना संरचना होता है। उपास्थिका बना संरचना होता है। उपास्थिका बना संरचना होता है जिसे घाटी ढापन बोलते हैं। घाटी ढापन बोलते हैं। तो गाइज यह जो घाटी ढापन होता है यही जंक्शन का कार्य करता है। जब भोजन आता है तो यह श्वास नलिका को बंद कर लेता है और
भोजन चला जाता है, इसके पश्चात यह श्वास नलिका को खोल देता है ताकि श्वास श्वास नलिका में प्रवेश कर जाए। तो गाइस यह हो जाएगा ग्रसनी का कार्य, तीन कार्य हैं, और यह हो गया हम लोगों का कंठ। ग्रसनी ग्रसनी श्वास नलिका व आहार नाल से जुड़े होते हैं। दूसरा, ग्रसनी में एक छिद्र होता है जिसे घाटी द्वार बोलते हैं, और इस घाटी द्वार को बंद करने के लिए उपास्थि का बना एक संरचना होता है जिसे घाटीढापन कहते हैं, या घाटीढापन जक्शन का कार्य करता है। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके पश्चात अब हम लोगों का है श्वास नली, छठवां श्वास नली जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। गाइज छठवां है हम लोगों का श्वास नली। श्वास नली ट्रेकिया, तो गाइज यह है हम लोगों का श्वास नली। यहां से लेकर यहां तक की संरचना को इधर बना देते हैं, यहां से लेकर यहां तक की संरचना को श्वास नली बोलते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 1.5 से लेकर 2.5 तक होती है। और जो यह श्वास नली होती है यह दो भागों में विभाजित होकर के दो श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, यह श्वसनिकाओं को निर्माण करती है, तथा यह कंठ द्वार और ग्रसनी से आए हुए वायु को फेफड़े में जाने देती है या फेफड़े तक लेकर जाती है। तो गाइज यह है हम लोगों के शरीर में श्वास नली का कार्य। और गाइज श्वास नली का ये कार्य है, आइए हम लोग लिखते हैं। तो पहला, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। और गाय दूसरा, इसकी चौड़ाई 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। और गाय तीसरा, यह वक्ष में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसे श्वसनी कहते हैं। तो गाइज अब जो है हम लोगों का वायु यहाँ नासिका नासा मार्ग नासा गुहा ग्रसनी कंठ द्वार से होता हुआ यहाँ तक चला आया। अब यहाँ पर दो नली है, तो वायु दोनों फेफड़ों में प्रवेश करेगा, अभी प्रवेश नहीं किया है, अभी केवल हम लोग श्वास नली के बारे में जान रहे हैं। इसके पश्चात अब हम लोगों का वायु जो है यहाँ तक आ चुका है, अब क्या होगा, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज यह हो गया श्वास नली का कार्य, जो श्वास नली है इसका क्या कार्य होता है। तो गाइज इसमें चौथा है ये, और पांचवा, यह वायु को प्रवाहित करती है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का श्वास नली का पांच कार्य। तो गाइज अब हम लोग जानेंगे श्वसनिका, अब हम लोगों का जो सातवां है वह है श्वसनिका। तो गाइज श्वसनिका क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जाने। तो गाइज पहला, इसका निर्माण श्वास नली से होता है,
इसका निर्माण श्वास नली से होता है, श्वास नली से होता है। श्वास नली से होता है। दूसरा, यह फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात, यह फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात, प्रवेश करने के पश्चात उपशाखाओं उपशाखाओं व अंत में अंततः वायु कोष्ठों से जाकर मिल जाती हैं, वायु कोष्ठों से जाकर मिल जाती हैं, वायु कोष्ठों से जाकर मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। तो गाइस, यह होता है श्वसनिका का कार्य। इसका निर्माण श्वास नली से होता है, क्योंकि यह जो श्वास नली है यही दो भागों में विभाजित होकर के श्वसनी का निर्माण करता है। इसके पश्चात अब देखिए, जो श्वसनी है यह फेफड़े में आया, यहाँ पर पहली बार विभाजित हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, अंततः यह जाकर खुद ही वायुकोष्ठ से मिल गया, या खुद ही यहाँ वायुकोष्ठ से जाकर मिल गया। तो जैसे गाइस मान लीजिए यहाँ पर आया, फिर इसके, या हम लोगों का है श्वास नलिका, यह है श्वास नलिका। फिर इसके पश्चात अब यहीं से ऐसे ही यहाँ से दो का निर्माण हो जाएगा, दो श्वसनिका का। अब यह ऐसे गया तो पहली बार यहाँ से विभाजित होगा, फिर कुछ देर आगे जाने के पश्चात फिर यहाँ से विभाजित हो जाएगा, फिर यहाँ पर विभाजित होगा, फिर ऐसे अंधता या जाते जाते खुद ही वायुकोष्ठ से यहाँ पर मिल गई, या जो है खुद ही वायुकोष्ठ से जाकर मिल गई। तो पहले या तो सब प्रथम श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, तो पहले यह शाखाओं उपशाखाओं विभाजित होकर के अंततः जाकर के वायुकोष्ठ से मिल जाती है। तो गाइस यह होता है श्वसनिका का कार्य। अब हम लोग जानेंगे हम लोगों का जो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, उसके बारे में। तो गाइस जब हम लोग फेफड़ा के बारे में जानेंगे, जो हम लोगों का फुफ्फुस है जिसे हम लोग लंग्स बोलते हैं, गाइज हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, इनका रंग हल्का गुलाबी व ये लचीले व कोमल अंग होते हैं। तो गाइज आइए अब हम लोग लिखते हैं आठवां फेफड़ा, लंग्स। तो गाइज पहला, इनकी संख्या दो होती है, इनकी संख्या दो होती है, इनकी संख्या दो होती है गाय। दूसरा, यह श्वसन का प्राथमिक अंग है, प्राथमिक अंग है। और गाय तीसरा, यह हृदय को घेरे रहता है, यह हृदय को घेरे रहता है, यह हृदय को घेरे रहता है। गाय चौथा हो जाएगा, प्रत्येक फुफ्फुस पतला वह दोहरा झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, वह दोहरा झिल्ली के द्वारा, दोहरा झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है, जिसे जिसे फुफ्फुसावरण बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसावरण बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसावरण बोलते हैं या कहते हैं, कहते
हैं। और गाइज पांचवा हो जाएगा फुफ्फुस। जिस गुहा में उपस्थित होता है, गुहा में होता है उसे फुफ्फुस गुहा बोलते हैं, उसे फुफ्फुसी गुहा, फुफ्फुसी गुहा कहते हैं, फुफ्फुसी गुहा कहते हैं। और गाइज छठवां हो जाएगा फुफ्फुसी गुहा में एक तरल स्थित होता है, फुफ्फुसी गुहा में तरल पाया जाता है। जिसे फुफ्फुसी तरल बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसी तरल बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसी तरल कहते हैं, फुफ्फुसी तरल कहते हैं। और सातवां हो जाएगा यह तरल फेफड़ों की रक्षा करता है, फेफड़ों की रक्षा करता है। तथा साथ साथ फुफ्फुसावरण जो उसको घेरे रहते हैं पतले व दोहरे झिल्ली के द्वारा, फुफ्फुसावरण को नम व तरल बनाता है, को नम व तरल बनाता है। जिससे घर्षण कम हो कि नहीं हो, जिससे घर्षण न उत्पन्न हो, जिससे घर्षण न उत्पन्न हो, वरना गाइस वहाँ पर ढेर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें आठवां है दायां फुफ्फुस बाएं फुफ्फुस से कुछ बड़ा वह चौड़ा किंतु लंबाई में छोटा होता है। और गाइज नवा हो जाएगा फुफ्फुस का रंग हल्का गुलाबी होता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का फेफड़े के बारे में। इसकी संख्या दो होती है। यह श्वसन का प्राथमिक अंग है। यह हृदय को घेरे रहता है तथा प्रत्येक फुफ्फुस जो होता है पतला व दोहरा झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे फुफ्फुसावरण बोलते हैं। और फुफ्फुस जिस गुहा में उपस्थित होता है उसे फुफ्फुसी गुहा बोलते हैं। फुफ्फुसी गुहा में जो तरल पाया जाता है उसे फुफ्फुसी तरल बोलते हैं। यह तरल फेफड़ों की रक्षा करता है तथा साथ साथ जो फुफ्फुसी आवरण होता है, जैसे मान लीजिए अब यह कैसे उसकी रक्षा करता है आइए हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह श्वास नली है और यह है श्वसनिका और यह हो गए हमारे लंग्स। तो यह जो लंग्स है यह फूला रहेगा जब वायु अंदर आएगा। लेकिन गाइज इसके विपरीत और ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और ये ऐसे 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 पिचक जाएगा। कब पिचकेगा? जब वायु बाहर चला जाएगा। तो गाइज
जो यहाँ पर इसके फुफुसा वरण है इनकी तो संरचना कुछ ऐसी ऐसी हो जाएगी, तो इनमें घर्षण बल न उत्पन्न हो, वरना वहाँ पर ढेर सारा प्रॉब्लम, जैसे घर्षण बल के कारण वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, तमाम प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, तो यहाँ पर घर्षण बल न हो इसलिए उसकी रक्षा करता है, इसके तल को चिकना बना देता है, वरना जब फेफड़े सिकुड़ेंगे यहाँ पर घर्षण बल होगा तो इनमें प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर यह तरल बना देता है, फुफुसी तरल, इसलिए यह फेफड़ों की रक्षा करता है। फिर इसके पश्चात इसमें है दायां फुफ्फुस बायां फुफ्फुस से कुछ बड़ा, चौड़ाई अधिक होती है किंतु लंबाई में छोटा होता है। और गाइस कुछ लोग बोलते हैं दायां फुफ्फुस बायां फुफ्फुस से 1 इंच बड़ा होता है, बड़ा होता है लेकिन वह केवल चौड़ाई में कुछ बड़ा होता है लेकिन लंबाई में बड़ा नहीं होता। इसके पश्चात गाइस जो हमारे फेफड़े होते हैं इनका रंग हल्का गुलाबी होता है। तो गाइस हम लोग जान गए फेफड़ा, अब फेफड़े के आंतरिक दृश्य के बारे में जानेंगे, जो फेफड़े में श्वसनिकाएं वो वायुकोष्ठ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का पूरा फेफड़ा के बारे में, अब इसके पश्चात हम लोग जानेंगे फेफड़े की आंतरिक संरचना के बारे में, फेफड़े की आंतरिक संरचना। तो गाइस अब हम लोगों का जो है वह है फेफड़े की आंतरिक संरचना, अब हम लोगों का जो है वह है फेफड़े की आंतरिक संरचना। कौन सा है 8वां 9वां फेफड़े की आंतरिक संरचना? फेफड़े की आंतरिक संरचना, तो गाइज फेफड़े की आंतरिक संरचना में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ढेर सारे वायुकोष्ठ हैं, और ये जो वायुकोष्ठ हैं ये श्वसनी के से जुड़े होते हैं। तीसरा ये उपकला द्वारा घिरे होते, एक पतली उपकला द्वारा घिरे होते हैं। तो गाइज ये लिखते हैं फेफड़ों की आंतरिक संरचना में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो आइए हम लोग इसमें लिखते हैं, पहला इसमें अधिक संख्या में वायुकोष्ठ उपस्थित होता है, अधिक संख्या में वायुकोष्ठ उपस्थित होते हैं, वायुकोष्ठ उपस्थित होते हैं, वायुकोष्ठ उपस्थित होते हैं, और दूसरा गाइज प्रत्येक वायुकोष्ठ श्वसनी द्वारा जुड़े रहते हैं, श्वसनी द्वारा जुड़े रहते हैं, तीसरा ये वायुकोष्ठ समूह का निर्माण करते हैं जिसे कोपिका कहते हैं, समूह का निर्माण करते हैं जिसे कोपिका कहते हैं, जिसे कोपिका कहते हैं, चौथा प्रत्येक वायुकोष्ठ, पतली उपकला द्वारा घिरा रहता है। गाइज यह जो वायुकोष्ठ है इसी में ही जो बाहर से वायु आता है वह 2 भागों में विभाजित होता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निष्कासित हो जाता है, ऑक्सीजन गैस यहाँ कोपिकाओं पर आता है, कोपिका पर आने के पश्चात यहाँ पर जो रुधिर से आया हुआ ऑक्सीजन रहित रुधिर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर कोपिका के द्वारा फिर ऐसे बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, फिर जो कोपिका में ऑक्सीजन गैस उपस्थित रहेगा यह है
रुधिर कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में भेज दिया जाएगा, जिससे रुधिर का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो गाइस यह होता है फेफड़े की आंतरिक संरचना। इसमें वायुकोष्ठ उपस्थित रहते हैं, प्रत्येक वायुकोष्ठ श्वसनी द्वारा जुड़े रहते हैं और वायुकोष्ठ समूह का निर्माण करते हैं जिसे कूपिका कहते हैं, और प्रत्येक वायुकोष्ठ पतली उपकला द्वारा घिरा रहता है। अब गाइस हम लोग जानेंगे यह जो है मेन काम यहीं पर होता है। यह जो वायुकोष्ठ हैं, देखिए ये कैसे गुच्छेनुमा, अंगूर के गुच्छेनुमा इनकी संरचना है, जिसे हम लोग कूपिका कहते हैं। यहाँ तक बस ये इतने जो तंत्र हैं, सब जो इतने तंत्र हैं, केवल ये ऑक्सीजन गैस को लाने का, ऑक्सीजन गैस में तापमान को नियंत्रित करने का ये सब काम कर रहे हैं। मेन काम होता है वह केवल होता है कूपिकाओं में। तो अब हम लोग जानेंगे वायुकोष्ठ की आंतरिक संरचना, वायुकोष्ठ की आंतरिक संरचना गाइस, जिसमें अंतिम है दसवां वायुकोष्ठ की आंतरिक संरचना। आइए अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे वायुकोष्ठ की आंतरिक संरचना। वायुकोष्ठ की आंतरिक संरचना तो गाइस पहला होगा वायुकोष्ठ में, वायुकोष्ठ के ऊपर रुधिर कोशिकाओं का समूह होता है, रुधिर कोशिकाओं का समूह होता है, रुधिर कोशिकाओं का समूह होता है। जो जाल की तरह है, जो जाल की तरह है वायुकोष्ठों को घेरे रहते हैं, वायुकोष्ठों को घेरे रहते हैं। और गाइस दूसरा हो जाएगा इनका निर्माण फुफ्फुस धमनी के द्वारा होता है। गाय तीसरा शरीर से आया हुआ ऑक्सीजन रहित रुधिर आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल कर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। गाय जो चौथा है O2 ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाएं मिलकर ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाएं मिलकर वाहिनी का निर्माण करती हैं। और गाइस पांचवा, यह वाहिनी फुफ्फुस शिरा से जाकर जुड़ जाता है, फुफ्फुस सिरा से जाकर जुड़ जाता है
खुफ्फो सिरा से जाकर जुड़ जाता है, जाकर जुड़ जाता है। तो गाइज यह हो गया हमारे शरीर में वाइकोस्ट की आंतरिक संरचना या समूह में होता है, जिसे जैसे वाइकोस्ट के ऊपर कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे गाइज मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इतने कोशिकाएं हैं, केवल हम लोग एक कोशिका को समझते हैं। जैसे एक कोशिका इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि कोशिकाओं का जाल होता है, मतलब ऐसे ऐसे ये रुधिर कोशिकाएं इनके ऊपर इस प्रकार से होती हैं, ये रुधिर कोशिकाएं इनके ऊपर इस प्रकार से होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इसमें इस प्रकार का रुधिर कोशिकाओं का जाल पूरी तरह बिछा रहता है, और यह जाल जो इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। तो गाइज अब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से फुफ्फुस पर ये लोग जो ये हैं रुधिर कोशिकाएं ऐसे जकड़ी रहती हैं इसे जाल की तरह। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स रहेंगे, अब यहाँ से आएगा ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इनके द्वारा अवशोषित करके फिर ऐसे बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर ये जो वाहिनीये हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये एकजुट होकर एक वाहिनी का निर्माण करेंगी, और यह वाहिनी जाकर मिलेगा फुफ्फुस सिरा से, और यह वाहिनी जाकर मिलेगा फुफ्फुस सिरा से। फुफ्फुस सिरा के पश्चात यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड रहेगा वह पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो यही कार्य होता है गाइज हमारे शरीर में कोशिका का, कोशिका के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करके बाहर निष्कासित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ऑक्सीजन गैस जो होता है वह फुफ्फुस सिरा में भेजा जाता है। तो गाइज यह हो गया हमारे शरीर में वाइकोष्ठ की आंतरिक संरचना। अब गाइज जैसे मान लीजिए किसी को दमा हो गया, किसी को खांसी हो गया, वो सब कैसे होता है? कोई खांसता है तो जैसे किसी को खांसी क्यों आती है, दमा क्यों आता है? तो गाइस जैसे ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के पश्चात कोशिकाएं हैं, फिर यहीं पर ऐसे ब्लड वेसल्स इस पर लगे रहेंगे, इस प्रकार से इस पर ब्लड वेसल रहेंगे। तो यह जो प्रत्येक कोशिका होता है एक पतले उपकला द्वारा घिरा रहता है। तो जो यह पतला उपकला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए हम लोगों का लंग्स है ना, अब यहीं पर कोशिकाएं हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं, अब कोशिका के एक आवरण ये हो जाएगा, फिर इसके पश्चात यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल रहेंगे। तो जो हम लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें खांसी की संभावनाएं कैसे होती हैं? तो गाय जो धूम्रपान लोग करते हैं तो जो धुआं होता है वो यहीं पर, जैसे मान लीजिए यह कोशिका, यह हम लोगों का लंग्स है, और यहीं पर कोशिका हो गया, फिर यहाँ पर कोशिका का लेयर, फिर यहाँ पर हम लोगों का ब्लड वेसल्स आ जाएगा। तो जो हम लोग जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो धुएँ होते हैं यहाँ पर आकर ऐसे एकत्रित हो जाते हैं। अब धुएँ यहाँ पर आकर एकत्रित हो गए, अब जब व्यक्ति खांसता है, खांसेगा तो जो फेफड़ा है वो फैलेगा, फैलने के पश्चात कोशिकाएँ भी फैलेंगी थोड़ी सी। अब कोशिकाएँ फैले तो यहाँ पर जो ये वस्तु भरा है, जो मल भरा है, ये थोड़ा सा हट जाएगा। हट जाने के पश्चात ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर जाएगा, जिसके द्वारा खांसी थोड़ा देर के लिए आराम हो जाएगा। फिर व्यक्ति ऐसे खांसते 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 यहीं पर ऐसे एकत्रित होता रहेगा, यहीं पर ऐसे इसमें एकत्रित होता रहेगा। धीरे 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 गाइस यह दमा का रोग बना देता है, दमा नामक रोग बना देता है। दमा नामक रोग गाइस फेफड़ों में ही होता है। तो इस प्रकार से कंडीशन इसमें होता है, इसमें विकार ऐसे आता है, और गाइस जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती हैं वो फुफ्फुस के द्वारा, वो कोशिका के द्वारा होती हैं। इस प्रकार से कोशिका का कार्य होता है। तो गाइस ये हम लोग समझ लिए वाइकोष्ठ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स का जाल रहेगा रुधिर कोशिकाएं का, रुधिर कोशिकाएं इससे जकड़ी रहेंगी तथा रुधिर कोशिकाओं से ऐसे ब्लड वेसल्स गुजरेंगे, फिर यहाँ पर जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इसमें इसके द्वारा अवशोषित करके फिर यहाँ से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। जो ऑक्सीजन गैस होगा कोशिकाओं में उपस्थित रहेगा, तो ये कोशिकाएं मिलकर वाहिनी का निर्माण कर देंगे, और यह वाहिनी चला जाएगा फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा तो यह पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो गाइस आज का हम लोगों का मनुष्य में जो श्वसन है यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो गाइस इसे पढ़ाने में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत किया आप लोगों को इसे समझाने के लिए, क्योंकि गाइस यह जो मैंने इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा है यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, और इसके साथ साथ मैंने जितना भी वर्ड लिखा सबको बोल कर लिखा। तो गाइज इसलिए
आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं जो पड़ोसी हैं वो लोग आसानी से पढ़ सके। बायोलॉजी में कुछ नहीं है, बस आप लोग आराम से पढ़िए तो आप लोगों को सब आएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।